दोस्तों, मेरा नाम है मिंडूस मैन, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं लेटेस्ट अपडेट अबाउट ब्यूटी कम्युनिटी और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाता रहता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद से ही उनकी डेथ एक मिस्ट्री बन के रह गई है, पर उनकी डेथ का मेन रीज़न डिप्रेशन को बताया जा रहा है। तो उसी के टॉपिक के ऊपर कंगना रनौत ने 3 दिन पहले IGTV पर अपना एक वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें उनने डिप्रेशन के सबूत भी दिए थे और सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन का रीज़न नहीं बताया था। और उसका रीजन उन्होंने जर्नलिस्ट को बताया जो बहुत ज्यादा ब्लाइंड आइटम्स रखते हैं। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था। कुछ मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, कुछ डायरेक्टली भी बात की है, तो उनके पिताजी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही टेंशन के करके बहुत ज्यादा परेशान थे। अभिषेक कपूर जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया, उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदारनाथ, उनका कहना है कि इट वाज अ सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ अ फ्रजाइल माइंड। अंकिता जो उनकी लॉन्ग टर्म पार्टनर रह चुकी है, उनका कहना है कि वो सामाजिक रूप से की गई अपमान और बेइज्जती नहीं सहन कर पाया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। तो ब्लाइंड आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब झूठ लिखना होता है आपको के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया सकता, क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा, मगर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के घुंघराले बाल हैं, जिसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, साइकोटिक है, इस तरह से जो कि मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी, मगर नाम नहीं लिखा जाएगा। 23 अगस्त 2017 को बॉलीवुड लाइफ सुशांत के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है, वो सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट है। 16 दिसंबर 2016 में मुंबई मिरर लिखता है कि सुशांत एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है। 22 फरवरी 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुशांत ने कांच की बॉटल एक डायरेक्टर के सर पे दे मारी। 18 अक्टूबर 2018 को DNA लिखता है कि सुशांत ने अपने को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है। और ऐसी ना जाने कितने अनगिनत झूठ, और ये जो बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट है, ये जो चील कौए गिद्ध है जो मूवी माफिया के पाले हुए हैं, ये इसको मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल लिंचिंग को जर्नलिज्म कहते हैं। तो जैसा आपने देखा, उनने जर्नलिस्ट को सीधे सीधे चील कौए और गिद्ध कह के रिप्रेजेंट कर दिया। तो मतलब अपना भी ये फर्ज बनता है कि हम ऐसे जैसे मतलब ब्लाइंड आइटम्स, गंदे गंदे आइटम्स लिखते हैं जो एक जर्नलिस्ट, उन लोगों पर विश्वास ना करके हम लोगों का सपोर्ट करें, जो नए नए एक्टर हैं, न्यू कमर्स हैं, उन लोगों का सपोर्ट करें, ये हमारा फ़र्ज बनता है। इसलिए ये तो हो गए मेरी राय, अब आपकी इसमें राय कहती है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब अगले न्यूज़ है हर्ष बेनीवाल के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हर्ष बेनीवाल एक दिन पहले अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए थे रूममेट नाम से, उस वीडियो ने उनके खुद के चैनल के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। उनकी उस वीडियो ने 2 घंटे में 1 मिलियन क्रॉस कर दिए, जिससे वो उनकी फास्टर 1 मिलियन क्रॉस वीडियो बन गई। तो उसी पर रिएक्ट करते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये अपलोड किए। थैंक यू सो मच वीडियो में इतना प्यार देने के लिए, और ये मेरे चैनल की सबसे फास्टेस्ट मिलियन वाली वीडियो है, और टिकटॉक वाली को काउंट नहीं करूँगा मैं, अगर उसको काउंट करूँ तो ये सेकंड नंबर पे है, अगर उसको नहीं करूँ तो ये 1 नंबर पे। टिकटॉक वाली को इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वो ऑब्वियसली रेज फैल गया था, उसकी वजह से वो इतनी चली थी, तो मैं उसको काउंट नहीं करता। तो प्योरली कंटेंट बेसिस पे देखा जाए तो ये मेरे पूरे चैनल की सबसे नंबर 1 है जो फास्टेस्ट मिलियन गई है, और आई गेस ये 2 घंटे 15 मिनट में पहुंच गई है 1 मिलियन। बैक एंड व्यूज़ पे आपको नहीं दिखेगा क्योंकि 4 लाख पे व्यूज़ तक हो जाते हैं, तो बैक एंड पे मैंने देखा 1 मिलियन क्रॉस कर गई है। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत प्यार रिस्पांस, आई लव यू। तो सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर्ष बेनीवाल। अब अगली खबर है आदित्य चंचलानी के बारे में। आदित्य चंचलानी कुछ समय पहले अपनी एक फोटो अपलोड किए थे इंस्टाग्राम पर, जिसमें केवी मनाटी ने कमेंट करते हुए लिखे थे वड़ा वाँ वो वड़ा वाँ वो वड़ा वाँ। तो आपको तो पता ही है ये किसका ट्यून है। तो इसी पर कमेंट पर रिप्लाई करते हुए आदित्य चंचलानी लिखे थे रॉन्ग, माई न्यू बैकग्राउंड म्यूजिक इज यलगार हो। तो इसी से यूट्यूबर्स के बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है। तो इंसान का इंसान से वो भाईचारा, यही पैगाम हमारा इससे साफ झलकता है। तो कल आदित्य चंचलानी ने अपने IGTV पर अपनी पहली डायरेक्टर हॉरर फिल्म आखिरी सफर को अपलोड कर दिया है। वो उनकी पहली डायरेक्टर फिल्म थी जिसे लोगों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया, जिसकी वजह से वो डिप्रेस चल रहे थे। तो प्लीज़ आप उनकी IGTV और इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाके उसे देख सकते हैं। अगली न्यूज़ है अमित बराने के बारे में। आज अमित बराने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी प्रीवियस वीडियो बेरोजगार बैचलर का सेकंड पार्ट का पोस्टर अपलोड करते हुए लिखे हंसी नहीं रुकेगी, ये प्रॉमिस है आपसे।
कल सुबह 11 बजे, तो हमें कल सुबह 11 बजे उनकी वीडियो मिल जाएगी, तो देखते हैं ये वीडियो क्या मैजिक कर पाती है। और आज एलविश यादव की 8:30 बजे नेपोटिज्म टॉपिक के ऊपर उनके सेकंड चैनल एलविश यादव व्लॉग पर रोस्टिंग वीडियो आ जाएगी, तो देखते हैं ये वीडियो क्या कमाल कर पाती है। और आज की आखिरी न्यूज़ है बीबी की वाइंस के बारे में। भूमा बान के होने वाले हैं 10 मिलियन फॉलोअर ऑन इंस्टाग्राम, जिसके साथ वे बन जाएंगे फर्स्ट इंडियन यूट्यूबर हु रीचेस 10 मिलियन फॉलोअर्स। तो सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बीबी की वाइन। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट भी करना मेरे को, पर भाई कर देना यार, क्योंकि उसको लाल बटन देख के भाई गुस्सा बहुत आता है कि दबाने का मन करता है। तो प्लीज़ यार कर देना भाई, बहुत मेहनत लगती है, एक वीडियो बड़े दिल से बनाता हूँ मैं। सो थैंक यू।